बोकारो सेक्टर 9 का दुर्गा पूजा पंडाल सप्तमी के दिन से स्थापित है। पुराना राम मंदिर है, देखते हैं ये है मौत का कुआं और काफी ज्यादा देख सकते हैं अभी ऊंचाई। सभी दुकान अभी लग ही रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे उस साइड जाकर के सिर्फ जुलाई जुलाई और पहुंचाया जाता है और वहाँ पे नट जो होता है गाइस ये ड्रैगन झूला है, वो जो ड्रैगन होता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बोकारो सेक्टर 9 का दुर्गा पूजा पंडाल जो कि वैशाली मोड़ पर स्थित है। और वैशाली मोड़ पर हर साल जो कि अलग अलग थीम पर पंडाल बनाया जाता है और इस साल किस थीम पर पंडाल बनाया गया वही सब हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े झूले आ चुके हैं और इस साल देख सकते हैं कैसा रहता है यहाँ का पूरा मेला और कितने सारे झूले लगे हैं सभी कुछ हम आप सबको एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी हम आप सबको सबसे पहले पंडाल दिखाते हैं और फिर हम आप सबको एक एक करके सभी झूले को दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस बार का पंडाल काफ़ी भव्य और विशाल पंडाल आप सबको दिख रहा होगा। हर साल जो कि है यहाँ पे अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं और इस साल कुछ इस तरह का पंडाल बनाया गया है। और चलिए कारीगर से पूछते हैं कि ये पंडाल जो कि किस थीम पर बनाया गया है। जैसा कि कहीं ना कहीं पंडाल बनाने का कोई ना कोई रीज़न होता है और किसी न किसी मंदिर या भवन के तर्ज पर पंडाल बनाया जाता है। तो ये पंडाल किस तर्ज पर बनाया गया है, चलिए हम उन कारीगरों से पूछते हैं जो कि इस पंडाल में काम कर रहे हैं। आपसे कुछ पूछ सकते हैं, ये पंडाल जो कि किस तर्ज पे बनाया जा रहा है? किस तर्ज पे? जो ये पुराना राम मंदिर है। पुराना राम मंदिर है ये? हाँ। आप सब कहाँ से आए हैं? हम लोग जमताड़ा से आए हैं। जमताड़ा से आए हैं और कितना दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? एक महीना हो गया। एक महीना हो गया है और कंप्लीट कब तक में हो जाएगा? सात आठ पूजा तक में कम्प्लीट हो जाएगा। और लगभग इसमें लागत कितना लगा होगा? लागत तो नहीं बता सकते। लागत नहीं बता सकते हैं। और दिन रात काम चलता है? हाँ, दिन रात एक बजे तक काम चलता है। हाँ। और ये जगह का नाम क्या हुआ? वैशाली मोड़ दुर्गा स्थान ना। और देख सकते हैं गाइस किस तरह से सेक्टर 9 का है। हाँ। सेक्टर 9। तो गाइस वैशाली मोड़ सेक्टर 9 में बनकर तैयार हो चुका है ये पंडाल जो कि पुराने राम मंदिर के तर्ज पे बनाया जा रहा है ये पंडाल। और काफ़ी भव्य ये पंडाल है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो कि है 20-30 मजदूर जो कि है यहाँ पे लगे हुए हैं इस पंडाल को पूरा करने में। और देख सकते हैं उधर भी है और बहुत सारे देख सकते हैं सामने आप सबको दुकान दिख रहे होंगे, दुकानें लग रहे हैं। और झूला की बात करें तो उधर उस साइड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा झूले हैं और अलग अलग तरह के झूले हैं, उन सभी से जा करके पूछ के हम आप सबको बताएँगे। और तो यहाँ पर हर साल काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ लगता है और दुकान की बात करें तो अनगिनत दुकान यहाँ पे लगाए जाते हैं। और यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं अभी पर्दे लगाए जा रहे हैं और देखते हैं काफ़ी जो कि न्यू वाला राम मंदिर है ना तो उसी तर्ज पे देख सकते हैं ये लग रहा है लेकिन उससे थोड़ा मोड़ा अलग है। तो जैसा कि कारीगर ने बताया कि यहाँ पे ये जो कि है पुराना राम मंदिर के तर्ज पे ये पंडाल बनाया जा रहा है। तो चलिए अभी दुर्गा मंदिर का दर्शन करवाते हैं हम जो कि यहाँ वैशाली मोड़ का दुर्गा स्थान है उसका दर्शन करवाते हैं। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा सा कलश है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दीप है जो कि शाम के टाइम में यहाँ पे जलाया जाता है। तो शाम को आएंगे आप सबको दिखाएंगे तो देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी ये देखिए, तो अभी देखते हैं कितने पूजा में यहाँ पर जो कि है दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित किया जाएगा। भैया यहाँ मूर्ति कब स्थापित होगा? मूर्ति सप्तमी के दिन से स्थापित हो जाएगा ना। और ये जो पंडाल बन रहा है किस तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है? किस तर्ज पे? मतलब किसी का होता है ना राम मंदिर के तर्ज पे? AI जनरेटेड पंडाल है। AI जनरेटेड दो तीन मंदिर का स्वरूप को इकट्ठा करके और राम मंदिर का प्रारूप को इकट्ठा करके बनाया जा रहा है। मतलब समझ लिए राम मंदिर के उसे देखते हुए यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है ना। उनसे इंस्पिरेशन और यहाँ पे ये यहीं पे बैठेंगे ना मंदिर मूर्ति उस पे बैठेंगे, 7 पूजा को बैठ जाएंगे ना। और ये लोकेशन क्या हुआ यहाँ का लोकेशन? सेक्टर 9 वैशाली मोड़। तो ठीक है भैया, थैंक यू। और चलिए गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बांस लगे हुए हैं और यहाँ पे काम जो कि है जोरों शोरों से चल रहा है। और चलिए अभी हम आपको दुकान दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकान लगे हुए हैं और ये रहा रास्ता, इस रास्ते से श्रद्धालु लोग आएंगे और निकलेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा जब पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कारीगर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और इधर भी है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े लगाए जा रहे हैं और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लगा दिया जाएगा और जो कि देखने में काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगेगा देखने में।
तो गाइस ये रहा पंडाल, और पंडाल के जस्ट बगल में ही आप सबको बहुत सारी दुकान देखने को मिलेंगे, बोल सकते हैं पीछे। और यहाँ पे देखने किस तरह से सभी दुकान अभी लग ही रहे हैं, पूरी तरीके से लगा नहीं है। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं बैग है, पर्स है, बहुत सारे पर्स है, और इधर भी है। तो अभी खुलने के बाद जो कि है पता चलेगा क्या कौन सा शॉप है, किस तरह किस चीज़ का है, सभी कुछ बाद में ही पता चलेगा। और यहाँ पे देखने टॉय का है, पूरी तरीके से टॉय लग रहे हैं यहाँ पे, और इधर भी सभी दुकान का जो कि अभी काम चल ही रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे हो सकता है सभी लेडीज़ का और जेंट्स का, वो तो लगने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पे कुछ दुकान ओपन हो चुके हैं अभी से ही, लेकिन बहुत सारे दुकान जो कि है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर अर्णव ब्लॉग्स, याद रहेगा MR अर्णव ब्लॉग्स, ठीक है ना, हाय कर दो। तो गाइस चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं, देख सकते हैं साइड साइड में बहुत सारे दुकान आप सबको देखने को मिल जाएगा, जब ये 7 पूजा 8 पूजा को आप सबको सभी दुकान खुले हुए मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं झूले भी हैं, तो ये तो छोटा मोटा झूला है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे उस साइड जा करके सिर्फ झूला ही झूला है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। और भाई ये कब से स्टार्ट होगा झूला? दो दिन बाद हो जाएगा ना। क्या झूला का नाम क्या है ये? उतना पता नहीं ना। तो गाइस आइए अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो झूला लगाया जा रहा है वो भी किरानी के मदद से, जो कि होता है ना JCB, वो बुलडोजर जिस तरह से बोलते हैं, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कैसे, देख सकते हैं ये किरानी, और बहुत बड़े बड़े जो कि सामान को उठाते हैं तो उसी से उठा करके देख सकते हैं, वहाँ पे लोहा को पहुँचाया जाता है और वहाँ पे अच्छी तरीके से कस दिया जाता है नट को। और चलिए हम पास जा करके आपको दिखाते हैं। और ये शायद बन रहा तारा माची, देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो कि सीट है जहाँ पे बैठते हैं जिस पे, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। और ये रहा शायद यही है तारा माची, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला, और इससे बड़े बड़े झूले हैं, मौत का कुआं है, और भी ब्रेक डांस है, और क्या बोलते हैं ट्रेन वाला भी झूला है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, और देख लें दूर से कुछ इस तरह का लगता है यहाँ का पंडाल। और जैसा कि भैया ने बोला कि AI जनरेटेड है, सभी मंदिरों को मिक्स करके ये बनाया गया है, और ये किसी तर्ज पे नहीं बनाया, लेकिन फिर भी राम मंदिर के नाम से इस पंडाल को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे झूले हैं, और सब जो झूले जो कि अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग जो कि बनने के बाद ही पता चलेगा अच्छी तरीके से, या तो अभी पूछ सकते हैं भैया लोग से। भैया ये झूला कौन सा झूला है? ये सावर झूला। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। और इधर ये तारा माची ही होगा ये वाला, और इधर हो गया ब्रेक डांस। इधर देख सकते हैं यहाँ पे देखते हैं घिरनी का काम चल रहा है, ये जो घिरनी वाला झूला होता है ना, चारों साइड से घूमता है ऊपर नीचे, वही झूला है यहाँ पे। तो गाइस ये ड्रैगन झूला है, वो जो ड्रैगन होता है ना चारों साइड घूमता है ट्रेन टाइप का, तो वही झूला यहाँ पे है, देख सकते हैं सिर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामने। तो यहाँ पे बहुत सारे इस बार झूले देखने को मिला है, जैसे कि अगले साल नहीं, उससे अगले साल आए थे तो वहाँ इतना सारा झूला नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा झूला देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगले तीसरे साल जो कि है ना यहाँ पे पानी था, कादो था, तो अभी यहाँ पे काम देख सकते चल रहा है किस तरह से। और यहाँ पे देखते हैं सभी बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये रहा मौत का कुआं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहता है मौत का कुआं, और हम तो पहली बार देख रहे हैं अंदर, मतलब बाहर से तो देखे हैं लेकिन अंदर जा कर के कभी नहीं देखे हैं। क्या हुआ शर्मा गई सब? अरे सही है, बताओ पूछो, क्या पूछना है, पूछो। आपका आईडी का नाम क्या है? मेरा मिस्टर अर्णव ब्लॉग्स, MR अर्णव ब्लॉग्स। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। यही है घर तुम लोगों का? हाँ। ओ, मेरा घर यहाँ नहीं है। तुम्हारा घर यहाँ नहीं है? जी, आप कहाँ रहते हैं? हम बिहार में रहते हैं। हम भी बिहार में रहते हैं। बिहार में रहती है? जी, मैं। बिहार से कहाँ? बिहार से शेखपुरा। शेखपुरा तो भागलपुर जानती है? कोई जानती है भागलपुर? नाम जानते हैं। शेखपुरा का पहाड़ घूमी है? हाँ। तो हम भी घूमे हैं। और ये कौन सा झूला है हम पूछ के बताते हैं। रेंजर नाम है, ऐसे हथौड़ा वाला बोलता है। और ये कैसे चलता है? पूरा ऊपर घूम जाता है, इतना हाइट जितना है वो पूरा। ओ, और ये गिरते नहीं है? सेफ्टी बेल्ट लगा के। इसका रेंट कितना होगा? 200 रुपया एक राउंड का, 6 राउंड होगा। ठीक है भैया। और देख सकते काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, और ये घूमेगा, और इसको बोलते हैं हथौड़ा झूला, और जैसा कि बोले और दूसरा भी नाम बताए हैं
और देखते हैं दो साइड है, इधर भी बैठने का है और उधर भी बैठने का, और ये जो कि पूरा ऊपर तक जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा, और यहाँ पे है मौत का कुआं देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सब जो कि है सब झूले जो कि अभी तैयार ही हो रहे हैं, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। यहाँ पे जैसा देखते हैं अभी सीढ़ी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे गेट जैसा कि अभी गेट कम्प्लीट नहीं हुआ है, और ऊपर पर देखते हैं काम ही चल रहे हैं। और इधर देख सकते हैं क्या बोले मिस्टर अर्नब ब्लॉग्स, यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल काफ़ी खूबसूरत और यूनिक सा लग रहा है ये पंडाल। और अभी झूले जो कि है बहुत सारे झूले लगने बाकी है, जैसा कि वहाँ पे देख सकते हैं एक वो शायद हो सकता है ब्रेक डांस देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा ब्रेक डांस आप सबको देखने को मिलेगा जब बनने के बाद यहाँ पे। अभी तो सिर्फ नीचे का काम मतलब पार्ट जो किया है पूरी तरीके से सेट हुआ है, अभी पूरा ऊपर जो किया है ऊपर वाला अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे सभी को पार्ट पुर्जे देख सकते हैं यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं, तो देखते हैं कल परसों आकर के आप सबको दिखाएंगे। और ये सब देखते हैं काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्यूट क्यूट से बच्चे, और वीडियो कल वीडियो डाल देंगे ठीक है ना। तो कहाँ से हो तुम लोग? मैं क्या बोलते हैं झारखंड से। झारखंड से? झारखंड में कहाँ? हेरोड फुल दुकान। अच्छा ठीक है, तुम लोगों का दे देंगे वीडियो, देख लेना ठीक, सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या नाम है? फिदा हुसैन। तुम्हारा क्या नाम है? नंद किशोर। और फिदा हुसैन? हाँ। अच्छा दोनों दोस्त हो? स्कूल में पढ़ते हैं तो दोस्ती हुआ है ना। अच्छा ठीक है। आप इंस्टा पे भी डालते हैं ये सब? हाँ। तो गाइस चलिए अभी इसके ऊपर मौत के कुआं को दिखाते हैं ऊपर चढ़ करके, और देखते हैं किस तरह से ये लोग चढ़ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी ऊपर हम चढ़ चुके हैं, और यहाँ से दिखाते हैं नीचे का नज़ारा किस तरह का है देख सकते हैं। तो गाइस ये है मौत का कुआं, और इसी पे दौड़ेंगे गाड़ी जो कि बाइक हो सकता है कार हो सकता है जो भी सभी कुछ। और देख सकते हैं ये राउंड है कुछ इस तरह का, और यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं नीचे का व्यू, कुछ इस प्रकार का व्यू आप सबको देखने को मिलेगा ऊपर आ जाने के बाद। इससे ऊपर भी जा सकते हैं गाइस, चलिए इससे ऊपर भी जाते हैं। और यहाँ पे है मौत का कुआं, और इसके ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है, कैसा लगता है रे? तो गाइस ये देख सकते हैं ये है मौत का कुआं, और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं अभी ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे हम हैं, और नीचे देख सकते हैं पूरी तरीके से ग्राउंड है। भाई आप भी यहाँ ऐसे घूमने आए, देखने के लिए आए क्या? हाँ। अच्छा देख सकते हैं नीचे, और इसका गेट किधर से है? वहाँ सामने देख सकते हैं वहाँ पे गेट है, वो वहाँ से खुलता है, और फिर वहीं से एंटर करेंगे जो भी बाइक हो कार हो सभी। और यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है, लेकिन बच्चे लोग देख सकते हैं सभी ऊपर आ चुके हैं और देखने के लिए। इधर भी कैसा लग रहा है रे? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देख सकते हैं वहाँ पे सिस्टम कर रहे हैं बच्चे लोग। क्या ब्लॉग का नाम है? मिस्टर अर्नब ब्लॉग्स। चलिए घूम के दिखाते हैं आप सबको, और ऊपर से व्यू भाई गजब देख सकते हैं। लगभग ये दो मंजिला मतलब तीन मंजिला ऊपर जितना होता है ना उतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। और ये रहा हथौड़ा झूला, और उधर रहा पंडाल, और यहाँ पे देखते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और ये है, ये कौन सा जगह हुआ बाबू? वैशाली मोड़। तो देखते हैं वैशाली मोड़, और वहाँ पर बन रहा है ड्रैगन झूला वहाँ पर है, और उधर है घेनी वाला झूला जो घूमता है, और फिर तारामाची है वहाँ पर, और इधर भी तारा माची है, और यहाँ पे इधर ब्रेक डांस हो गया, और यहाँ हथौड़ा क्या बड़ा नाव है। तो गाइस वो नाव है, गलती हो गया, वो नाव है और वो है तारा माची ना सामने वाला। और इधर तो मौत का कुआं है, और कुछ इस तरह का है चारों साइड से घूमने के बाद कुछ इस तरह का ऐसा लगता है, और काफ़ी ख़तरनाक है। जब इस पर गाड़ी चलते होंगे तो किस तरह का लगता होगा आप सोच सकते हैं, और कितना रिक्स लेकर के यहाँ पर जो कि गाड़ी लोग चलाते हैं इधर भी, और उधर भैया लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और सभी बच्चे लोग को नीचे उतार रहे हैं क्योंकि गिरने उड़ने का रिक्स नहीं लेना चाहते हैं, गिर उड़ जाएंगे तो। और नीचे में देखते हैं बच्चे लोग का खुरापाती, जानते ही हैं बच्चे लोग हर कहीं के भी रहें लेकिन खुरापाती होते ही हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अब नीचे, और क्या बोला ना ये आई डी का नाम? पता चल गया क्या है? मिस्टर अर्नब ब्लॉग। हाँ मिस्टर अर्नब ब्लॉग। यहाँ पे देखते हैं सीढ़ी ही नहीं है, बताओ क्या है? मिस्टर अर्नब और ब्लॉग।
तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।